नमस्ते मेरे सभी फ्रेंड्स को, वेलकम है हमारे होम एंड नेचर व्लॉग पर। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे रहें। अगर हमारा पूछें तो हम आप लोगों से अच्छे ही बोलेंगे कि अच्छे हैं, हम भी अच्छे ही हैं, दिख रहे हैं तो अच्छे ही हैं। और काफ़ी दिनों से मैं कोई व्लॉग नहीं बनाया था, एक तो व्लॉग बनाने का हमारा कोई मन नहीं हो रहा था इधर, तो हमने व्लॉग कोई बनाया नहीं था। और एक दिन बनाया भी था तो वो फिर अपलोडिंग में प्रॉब्लम आई, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया था तो उसको फिर डिलीट कर दिया। तो आप सबको हाथ जोड़ के गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएँ सबसे पहले। और भगवान गणपति बप्पा जो हैं आपके सारे विघ्न और दुख हारें, और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूवर्स हैं, और अगर आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमें देखते हैं तो गणपति बप्पा से यही प्रार्थना है कि आप सब दुखों से दूर रहें और आप पे हमेशा कृपा बने, बरसती रहे। और हाँ, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल। व्लॉग कोई आज का नहीं है, बस आपसे को सबको शुभकामनाएँ ये देनी थी और छोटा सा वीडियो है तो इसको देखिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, मैं इस बार जब काफ़ी दिनों तक बीमार रही तो उसके बाद जब सही हुई हूँ तो कुछ करने का मन ही नहीं करता है, और कोई भी वीडियो शूट करने का मन नहीं करता है, कोई वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। और काफ़ी चीज़ें शेयर करने को थी बट शेयर नहीं की, और दिल नहीं किया और मन ही नहीं करता है, बिल्कुल हट सा गया है, दिमाग में आ ही नहीं रहा क्या करें क्या ना करें, क्या हो गया पता नहीं। और आप कभी ये भी नहीं पूछे कि आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड जी नहीं आते हैं आपके साथ, तो वो नहीं आते हैं। और आपको कभी वो, हम फेसबुक पे भी हैं, आपने कभी उनको हमें कमेंट्स में लाइक या कमेंट्स, आप जितने फ्रेंड्स लोग हैं और फैमिली के लोग, उन्होंने आप लोग तो जानते ही होंगे, उन्होंने कभी कोई कमेंट्स आपने उनका देखा है, कभी कमेंट्स देखा है उनका, उनका कभी कोई कमेंट्स नहीं देखा होगा तो वो नहीं आते हैं उनको। एक बार मैंने कोशिश की थी कि आप केवल हाय हेलो ही बोल दिए दीजिए कुछ खास, हाँ उनका बर्थडे था तो उन्होंने मना कर दिया था, तब से मैं उनको फोर्स नहीं करती हूँ और उनको नहीं आना है और वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो बस यही बातें हैं और दिल नहीं करता है। और चलिए, आप लोग अच्छे से भगवान गणपति बप्पा के आने की तैयारी करिए। और हाँ, उनको क्या क्या पसंद है, उनको तो सभी वो पसंद है, नारियल, केला, पान और दूब घास जो होती है वो, और लड्डू मोतीचूर के, और मोदक, अगर मोदक आप बना पाते हैं घर में तो इजीली बन भी जाते हैं, नहीं तो मार्केट में तो आजकल हर जगह अवेलेबल भी हैं, तो आप लेकर आएं और उनको भोग लगाएं, उनसे प्रेयर करें और अच्छे से फेस्टिवल को मनाएं, खुश रहें, खुशियां बांटें और खुशियां पाएं। तो चलिए फिर इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर हमने मतलब उस दिन का व्लॉग बना पाए तो बनाएंगे और आपको शेयर भी करेंगे कि हमने कैसे गणेश चतुर्थी मनाई। तो चलिए फिर तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, सबसे ख़ास बात यह है कि जो आपकी गणपति बप्पा हम फर्स्ट बार हमारे घर में पधारे हैं, आए हैं, और हमको वो कहाँ से मिले हैं, जीव आश्रय टीम ने हमको भिजवाया है, और जीव आश्रय टीम लखनऊ ने, और जीव आश्रय टीम का मैं बेहद ही दिल से धन्यवाद करती हूँ। और वो सबको ही बोले थे कि आप लोग अगर लखनऊ में हैं तो आपको
आपके घर तक पहुंचा रहे हैं और फ्री में दे रहे हैं, और आप अपनी श्रद्धा अनुसार उन्हें कुछ आने जाने का गिफ्ट मतलब खाली हाथ उनको ना भेजें, उनको कुछ गिफ्ट दे दें, बट ऐसा वो बोल नहीं रहे हैं कि हमको कुछ दें। और जी आश्रय टीम बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, और इसलिए मैं उनकी फॉलोअर्स हूँ और उनका मतलब सपोर्ट करती हूँ। आप लोग भी उनको सपोर्ट करिए, हेल्प करिए जीवों की, इन बीजवानों के लिए उनका प्रयास और कार्य बहुत अच्छा है। तो चलिए फिर गणपति बप्पा और उनके सबके लिए भी मतलब जो उन्होंने ये काम किया है, गणपति बप्पा से ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि सभी जीवों को वो बचाएं और दया करना सिखाएं सबको। तो फिर मिलते हैं आपको।